नमस्कार, मेरी रसोई में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे दही वड़े, जिसे आप कभी भी झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उड़द दाल ली है, जिसे हमने रात भर भिगो के रखा था। अब हम इसे मिक्सर में डालकर पीसेंगे। दाल को आप सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी फूल जाती है। इसे फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, हमने दाल को पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हींग, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। वड़े के लिए बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, जिसमें हम वड़े को तलेंगे। और दूसरी तरफ हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि ये बैटर चिपके ना। इस तरीके से अब हम वड़े को तेल में डाल देंगे। एक बार में आपको जितने वड़े बनाने हैं उतने आप डाल दें। पानी गर्म हो गया है, वड़े एक तरफ से पक गए हैं। अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। जब तक हमारे वड़े फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमने वड़े के लिए दही को तैयार कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक। भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमारे वड़े अब दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम वड़े को एक प्लेट में निकाल रहे हैं। अब हम इसके बाद इसे डायरेक्ट पानी में डाल देंगे। और हम इस तरीके से इसे थोड़ा पानी के अंदर कर देंगे। पानी में डालने की वजह से हमारे वड़े बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। अब हम इसी तरीके से बाकी वड़ों को भी बना लेंगे। हमने जो वड़ों को पानी में डाला था, अब हम उसे निकाल लेंगे। सभी वड़े को हम उसी तरीके से बना लेंगे। इसे भी हम निकाल कर पानी में डाल देंगे। अब जिन वड़ों को हमने पानी से निकाला था, उन वड़ों को हाथ से इस तरीके से दबाकर उसके पानी को निचोड़कर हम दही में डाल देंगे।
देखिए हम एक तो तोड़ के दिखा देते हैं, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से फूल गया है। देखिए इसी तरीके से हमें सभी बड़ों का पानी निचोड़ कर फिर इसे दही में डालना है। हमने सभी बड़ों को दही में डाल दिया है, अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम दही बड़े को प्लेट में निकाल लेंगे। दही बड़े को निकाल लेने के बाद इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाला है, आप जो भी मीठी चटनी पसंद करते हो आप उसे डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा दही फिर से डाल लेंगे। ये सेव डाला है हमने, हमारे दही बड़े अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं, वड़े में दही बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर जा चुकी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।